let it bang bang. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Fashion Help. कैसे हैं आप लोग? I hope आप सब लोग अच्छे ही होंगे. सो गाइस, होली आने वाली है और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सो गाइस, ये है हमारी फर्स्ट ड्रेस जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टैंड कॉलर का जो कुर्ता मैंने अभी वेयर किया है एंड इसके नीचे मैंने प्लाजो वेयर किया है. तो गाइस, प्लाजो आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, प्लाजो ट्रेंड में है. और ये वाइट कलर का मेरे पास जो प्लाजो था, मैंने अपनी इस कुर्ती के साथ इसको रीस्टाइल कर लिया है. एंड गाइस, होली है तो होली का मतलब ही होता है बहुत सारे कलर. तो कलर से मुझे याद आया कि मेरे पास एक कलरफुल चुन्नी है जो मेरी छोटी सिस्टर मेरे लिए लेकर आई थी. तो इस पर कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है, तो ये जयपुर से लेकर आए थे वो लोग मेरे लिए. तो अगर आप दुपट्टा वेयर करते हो तो ये मेरी ड्रेस के लिए परफेक्ट था. आपके पास भी ऐसा कोई दुपट्टा है तो आप भी इसके साथ वेयर कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई प्रॉपर वाइट कलर की ड्रेस है, फिर आप उसके साथ इस तरीके का कोई भी दुपट्टा वेयर कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा लगेगा. सो गाइस, इसमें आप देख सकते हैं कि नेक पर ये मिरर भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ इसके हैंड पर भी हल्का सा लेस का डिज़ाइन है. तो ये उतनी सिंपल नहीं है, हाँ अच्छी लगेगी अगर आप किसी के घर होली पार्टी में जाते हो या अपने खुद के घर पर भी होली पार्टी है. किसी किसी के यहाँ रिवाज होता है कि होली खेलने के बाद शाम को लोग एक दूसरे के घर जाते हैं डिनर या मतलब जो भी है पार्टी करने, तो उस टाइम आप इस तरीके का ड्रेस वेयर करके जा सकते हो. बिकॉज़ होली तो उस टाइम पे भी खेलते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं तो जो ड्राई होली होती है वो तो खेलते ही हैं सब. तो ड्राई होली के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है. और आप इस पर इस तरीके की ईयरिंग्स भी पहन सकते हो, ये बहुत प्यारे लगेंगे अगर आप इस तरीके का लुक क्रिएट करते हो तो. सो गाइस, हमारी सेकेंड ड्रेस है प्लाजो फिर से, बिकॉज़ प्लाजो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. तो अगर प्लाजो आप इस टाइम पे वेयर करते हो तो वो बहुत ही प्यारा लगेगा. तो गाइस, मैंने प्लाजो को वहीं रखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मैंने ऊपर की कुर्ती चेंज की हुई है. तो मेरे पास इस तरीके की फ्रॉक वाले डिज़ाइन की ये कुर्ती थी, तो मैंने इसे प्लाजो पर वेयर कर लिया. और ये वाइट कलर था तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है. और होली में तो आप कुछ भी वाइट कलर का पहनोगे वो बहुत ही अच्छा लगेगा, कोई भी ड्रेस हो वो बहुत ही प्यारी लगेगी. सो गाइस, मैंने इसको वेयर कर लिया एंड इसके साथ मैंने फिर से ये कलरफुल दुपट्टा वेयर कर लिया. एंड गाइस, इसके साथ मैंने ये कलरफुल जो इयररिंग्स थे ये वेयर किए. ये मैंने बहुत टाइम पहले लिए हुए थे और मैंने एक भी बार इनको वेयर नहीं किया, बिकॉज कोई मौका ही नहीं मिल रहा था मुझे इन्हें पहनने का. बिकॉज मेरे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है जिसमें बहुत सारे कलर हों तो मैं इसको पहन सकूँ. तो यहाँ ये मेरे काम आ गए, बिकॉज होली में बहुत सारे कलर्स की ज़रूरत होती है. और सो गाइस, मेरे इयररिंग के ऊपर वाले पार्ट में ये कलरफुल था तो मैंने ये वेयर कर लिए और ये मेरी ड्रेस परफेक्टली तैयार हो गई होली खेलने के लिए. सो गाइस, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ड्रेस की. सो मैंने इस ड्रेस में भी नीचे प्लाजो वेयर किया हुआ है और ऊपर ये जो ट्यूलिप टाइप की जो कुर्ती होती है, इसके स्मार्ट कट शोल्डर हैं, आप देख सकते हैं इसके शोल्डर्स पे ये डिज़ाइन है. तो ये कुर्ती मैंने वेयर की है कि कुछ तो अलग ऐसा होना चाहिए ना जो थोड़ा सा स्टाइलिश दिखे. मतलब आप प्लाजो भी वेयर कर रहे हो तो ट्रेडिशनल के साथ साथ कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो अलग दिखे. तो मैंने इसके लिए इस कुर्ती को वेयर किया जिसके ये शोल्डर्स पर ये कट वाला डिज़ाइन है, तो ये बहुत प्यारा लग रहा था. एंड सिंपली इसके साथ भी मैंने कलरफुल दुपट्टा रखा, बिकॉज ये दुपट्टा मैंने इसलिए हर ड्रेस के साथ रखा है क्योंकि होली है तो होली में आप दुपट्टा तो कलरफुल ही रखिए. मेरे पास एक और दुपट्टा था जिसमें बहुत सारे कलर थे, बट ये एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने इसको इसके साथ वेयर किया. एंड गाइस, इसके साथ मैंने ये जो इयरिंग वेयर की हुई है, ये इयरिंग मैंने DIY किए हुए थे, तो आप देख सकते हैं ये बहुत प्यारा लगेगा. अगर आप इस तरीके का ड्रेसअप रखते हो, आपके यहाँ कोई पार्टी है, तो आप इस तरीके का भी ट्राई कर सकते हो. तो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट ड्रेस. ये तो होगी हमारे वो लोग जो कुर्तीज़ या कुर्तास वेयर करते हैं, प्लाजो एंड इस टाइप की कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस वेयर करते हैं उनके लिए. लेकिन गाइस, जो गर्ल्स जीन्स टॉप या मतलब जो भी हैं कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस वेयर करती हैं, उनके लिए कुछ स्टाइलिश ड्रेसेस वेयर करना चाहती हैं, जो मॉडर्न दिखना चाहती हैं, सो गाइस उनके लिए नेक्स्ट वाली ड्रेस बहुत ही परफेक्ट है. सो गाइस, आपको कुछ नहीं करना है. अगर आप फुल जीन्स वेयर करते हो या आप इस तरीके का शॉर्ट्स वेयर करते हो तो उस पे आपको लेना है कुछ इस टाइप की एथनिक सी जैकेट या कुर्ती, जो भी आपके पास हो, या शॉर्ट
टॉप जो आपके पास हो वो आप इस तरीके की, जिसमें थोड़ी सी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए या कुछ प्रिंट वाले जो कलर होते हैं वो होने चाहिए, उस तरीके का आप वेयर कर लो और वो बहुत ही प्यारा लगेगा। अगर आप सनग्लासेस वेयर करते हो तो होली के लिए आपका लुक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ड्राई होली खेल रहे हो, आपको ज़्यादा होली नहीं खेलनी है, सिर्फ नॉर्मल होली खेलनी है, फिर तो आप अपने हेयर को ओपन छोड़ सकते हो जिस तरीके का मैंने पिक्स में रखा हुआ है। एंड गाइज, मेरे को फोटो क्लिक करने थे तो मैंने अपने हेयर को ओपन रखा हुआ है। आप चाहें जैसे रख सकते हैं, आप मैसी बन बना सकते हैं या पोनीटेल भी कर सकते हैं। सो गाइज, ये मेरी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है एंड मैंने इसमें कोई भी ऐसे ईयर रिंग नहीं डाले हैं, बस छोटे छोटे ईयर रिंग्स पहने हुए हैं और मेरा परफेक्ट पार्टी लुक एकदम तैयार है। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रेस की। सो गाइज, मेरी नेक्स्ट ड्रेस मैंने वही सेम शॉर्ट्स के साथ ये टॉप वेयर की हुई है। गाइस, ये ट्रांसपेरेंट टॉप है, जॉर्जेट के फैब्रिक की बनी हुई है एंड ये ऑफ वाइट कलर है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसकी 3/4 जो स्लीव्स है, गाइस इसकी नेक पर ये डिज़ाइन है जो कॉलर एंड टाई दोनों का काम करता है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इस तरीके के कोई टॉप या टी शर्ट या शर्ट वेयर करते हो, ये बहुत प्यारा लगेगा अगर शॉर्ट्स के ऊपर आप इस तरीके के टॉप डालते हो तो। एंड गाइस, सेम आपको सनग्लासेस अगर पहनने हैं, आप कहीं बाहर पार्टी में जाते हो तो आप सनग्लासेस वेयर कर लीजिए, तो वो बहुत प्यारे लगते हैं जब हम पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं। एंड गाइस, मैंने इसमें कुछ पिक्चर्स क्लिक की एंड बहुत ही प्यारी प्यारी पिक्स मैंने क्लिक किए, आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कलर मैंने पिक्चर्स के लिए लगाया हुआ था। सो गाइस, आप इस तरीके से भी कुछ ट्राई कर सकते हो। मैंने फ़ोटोज़ के लिए ये लुक क्रिएट किया था। अगर आप बाहर पार्टी में जाते हो तो आप भी इस तरीके का लुक ट्राई कर सकते हो। एंड आप होली में इस तरीके के कलरफुल नेल पेंट लगाते हो तो ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट ड्रेस की। मेरी छोटी सिस्टर ने मेरे को एक बहुत ही प्यारा आइडिया दिया था। गाइस, वो अभी शिवरात्रि पर पूजा करने के लिए गई थी और मैंने उसे बोला था कि तुम ये वाइट कलर का प्लाजो सेट पहनकर जाओ पूजा करने के लिए, बट वो नहीं पहनती है इस टाइप के ड्रेस सूट वगैरह, वो जीन्स टॉप वेयर करती है हमेशा। तो ये प्लाजो सेट आप देख रहे हो, वाइट कलर का प्लाजो है एंड इसके ऊपर मैंने ये फ्रॉक जुड़ा ली हुई, ये पूरा प्लाजो सेट है और ये बहुत प्यारा लगता है अगर आप इसे कभी भी वेयर करते हो। तो अगर आप इस तरीके का कुछ वेयर करना चाहते हो तो आप इस तरीके का, आजकल प्लाजो एंड फ्रॉक बहुत ज़्यादा चलन में है, आप पूरा का पूरा ड्रेस भी वेयर कर सकते हो, ये बहुत ही प्यारा लगेगा। लेकिन गाइस, इसका जो हैक मेरी सिस्टर ने ट्राई किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सो गाइस, मेरी सिस्टर ने क्या किया, प्लाजो को हटा दिया, बिकॉज़ वो प्लाजोज़ वगैरह वेयर नहीं करती है, वो कभी सूट वगैरह उसने वेयर नहीं किया तो वो कभी वेयर नहीं करती है। उसने सिर्फ और सिर्फ इसके अपर पार्ट को उठाया, इसकी फ्रॉक को एंड जीन्स के ऊपर वेयर किया। और गाइस, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि ये जीन्स के ऊपर बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगर आप होली पार्टी में कहीं जाते हो तो स्काई ब्लू जो जीन्स होती है उसके ऊपर आप अगर इसको वेयर करते हो, वाइट कलर की इस तरीके की ट्रांसपेरेंट फ्रॉक, बिकॉज़ इसका जो नीचे वाला जो पार्ट है वो ट्रांसपेरेंट है एंड ऊपर इसमें इनर लगा हुआ है, तो आप इस तरीके का जीन्स के ऊपर पहनते हो तो ये बहुत ऑसम लगेगा और ये मुझे बहुत प्यारा लगा, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपके पास भी इस तरीके की कोई ड्रेसेस है तो आप उसे जीन्स के साथ इस तरीके से रीस्टाइल कर सकते हो, ये बहुत ऑसम आइडिया है अगर आपके पास वाइट कलर का कोई ड्रेस है तो होली में वेयर करने के लिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट सारा कुछ कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और गाइस, अगर आप होली के फ़ोटोशूट का वीडियोस देखना चाहते हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। एंड गाइस, यहाँ पे वीडियो बहुत छोटी सी लगती है लेकिन गाइस इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। आपका जो 10 मिनट का वीडियो या 5 मिनट का वीडियो या 3 मिनट का जो भी वीडियो होता है उसके बनाने के लिए पूरा दिन जाता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड होली आने वाली है तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।